What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. What if I... Hello guys, तो आज हम जो है आए हुए थे पटना जंक्शन। तो पटना जंक्शन के पास अगर आप आएंगे तो देखिए इस तरह का दिखता है। और जब पटना जंक्शन आए तो सोचे गाइज कि आप लोग की एक सेवा कर दी जाए, क्योंकि पटना जंक्शन के पास ही हमारा करवीरैया आता है और करवीरैया के पास जो है पुल का निर्माण चल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना पटना जंक्शन के साथ साथ मैं आपको जो है पटना का करवीरैया का भी अपडेट दे दूँ। जब गाइज यहाँ पे आए, जब मेन रोड पे आए गाइज, तो यहाँ से इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए रास्ते जो है आगे से टर्न होके मिलता है, पर यहाँ पे देखिए जो बीच का रास्ता था वो खाली होता है। उस रास्ते पे भी देखिए कितना ज़बरदस्त वाला सा ठेला वेला लगा के जाम लगा देता है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हम किसी तरह से बीच के थोड़े से जगह से बाहर निकले। जब मैं बाहर निकला गई तो देखा कि मैंने जो है कई पिलरों का निर्माण जो कार्य जो पहले काफ़ी दिन पहले मैंने अपडेट में अपना दिया था, जैसे का तैसा ही है। उसमें किसी तरह का कोई बदलाव गाइज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर मैंने जो है अपना चौराहा के पास पहुंचा, और जब मैं चौराहा के पास पहुंचा गाइज, तो क्या हुआ कि यहाँ पे जब मैंने व्यू लेना शुरू किया तो देखा कि जिस काम को जिस जगह पे आज से एक से दो महीना पहले छोड़ा गया था, सारे के सारे वो काम उसी जगह पे उसी तरह से अटका हुआ है गाइज। पता नहीं क्यों ये काम अभी तक अटका हुआ है, ये तो आपको ही पता होगा, या फिर जो काम वर्कर्स हैं उनको पता, जो ठेकेदार हैं उनको पता होगा। फिर मैं अपने बाइक को जो है थोड़ा आगे ले चला, और आगे से जो है टर्न कर कर इसी रास्ते से मैंने सोचा कि जाने के लिए, जिससे क्या होगा कि मैं आपको पूरा अपडेट दे दूँ। पर एक चीज़ और भी बता देता हूँ, जब आप इस रास्ते से फोर व्हीलर वगैरह से नहीं आए, क्योंकि आपको देखने के लिए मिल ही रहा होगा बीच में इस तरह से एक बुलडोजर को रखा गया है, ताकि लोग इस तरफ से अपना जो है रास्ता ना बना सके। टू व्हीलर के लिए आप जा सकते हैं, उसमें आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा गाइस। फिर मैं अपने रास्ते के सहारे आगे की ओर बढ़ने लगा, और देखने लगा कि ये काम नीचे से कुछ फिनिशिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ है गाइस। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नीचे से आपको किसी तरह का कोई भी काम फिनिश्ड या किसी तरह का होते हुए नहीं दिखने वाला है। और इस तरह से हम जो है आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं तेज़ी से, और जो पिलर है जिस तरह से जिस स्ट्रक्चर में खड़े किया गया है, बस सेम टू सेम एक दो मंथ से उसी तरह से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। तो आप बताएं कि क्या इसका काम आगे होगा, या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि क्या आपको जानकारी है कि इसका जो काम होगा कब से शुरू होगा, तो कमेंट्स में आप ज़रूर कर दें। और मैं थोड़ा सा जो है इस तरह से देखिए रोड पे ना, यहाँ पे गड्ढे बहुत भयानक भयानक है गाइज। तो क्या हो रहा है ना कि जब गड्ढे में घुस रहा है गाड़ी, तो मेरा बाइक भी आज पता नहीं क्यों बंद हो जा रहा है, और जिसके कारण जिसे हमें चालू करने में जो है टाइम लगता है थोड़ा, क्योंकि मेरा सेल्फ काम नहीं कर रहा है गाइज, क्योंकि ठंडी की मौसम है तो बैटरी पता नहीं डिस्चार्ज हो गया है। अब फिर मैं जो है उस गड्ढे से निकल कर आगे की ओर बढ़ने लगा गाइज। जब मैं बढ़ने लगा तो देखा कि आगे भी किसी तरह का कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो ये एक तरह से हम बोल ही सकते हैं कि अभी इस काम को, या फिर कह सकते हैं इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से रोका गया है। अब रोका गया है, और कब तक रुका रहेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और इस तरह से इसका जो है अपडेट हमने जो है देना चाहा था, और इस तरह से मैं आपको अपडेट कर भी दिया गाइज, क्योंकि अब ये पुल आगे जाकर नीचे की ओर ढूल जाएगी, और वहीं से हमारा अपडेट भी ढूल जाएगी गाइज, यानी कि हमारा अपडेट ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है ये कमेंट्स में ज़रूर आप लोग कहेंगे कि अच्छा है, ख़राब है, या फिर कुछ और भी कमियां हैं तो वो चीज़ें आप शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद गाइज।